दो गांवों में नहीं मिला फसल नुकसानी का मुआवजा, किसानों ने पटवारी पर लगाया उदासीनता का आरोप, की कार्रवाई की मांग। खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद में 29-30 फरवरी को आए आंधी तूफान से प्रभावित हुई फसलों के मुआवजे में लापरवाही का मामला सामने आया है। जनपद के कुछ गांवों में मुआवजा मिलने और कुछ गांवों में फसल नुकसानी का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। मुआवजे की आस में पिछले एक माह से किसान कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को किसान कलेक्टर पहुंचे और मुआवजे की मांग की। ग्राम बनहुर और जामनिया के किसानों ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। किसानों ने आरोप लगाया कि पटवारी की लापरवाही और उदासीनता से उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर के कार्यालय पर भी एक आवेदन दिया है। कृषक सकुलाल पटेल, दयाराम डाबर, हीरालाल दवल सिंह, बाथू गुलाम आदि ने बताया कि हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, फिर भी हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि गांव में फसल नुकसानी का सर्वे करने पहुंची पटवारी मनीषा सेलवानी ने खेत में न जाकर मनमाने तरीके से सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली, जबकि किसानों ने उनसे आग्रह किया था कि वे खेतों में चलें। इस पर उन्होंने कहा कि सभी के खेतों की जानकारी मेरे पास है, तुम चिंता मत करो, मैं पंचनामा बनाकर रिपोर्ट पेश कर दूंगी, नुकसानी का मुआवजा मिल जाएगा। चौकीदार कालू के कहने पर सभी किसानों ने 50-50 हज़ार रुपए की राशि भी दी। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चार माह बाद भी जब नुकसानी का मुआवजा नहीं मिला तो हम तहसील कार्यालय गए, जहां बताया कि हमारे गांव की कोई नुकसानी रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं की गई है। किसानों ने SDM से मांग की है कि उक्त पटवारी के कार्य के प्रति बढ़ती गई उदासीनता एवं लापरवाही पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। हमारा मुआवजा नहीं मिला, फसल नष्ट हो गई, जो ओला पत्थर जैसे इतने बड़े बड़े एक मेयर और एक गेहूँ मक्का सब नुकसान हो गया हमारा, वो मुआवजा नहीं मिला अभी तक। महीने हो गए या चार महीने हो गए हैं। ये अरे 30 फरवरी को हुआ था, 30-29 को नहीं। सर्वे वगैरह हुआ क्या? सर्वे तो मैडम आई थी पर मिला नहीं आज तक। मेरे पास रिकॉर्ड एक या दो जगह देख के चले गए, मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं दिला दूंगी करके, अभी आज तक नहीं मिला। एक बार SDM साहब पास भी आए थे, पूरा हमारा गांव जमुना पानी और बनहुर के सभी किसानों का 300 किसान अभी तक नहीं मिला, मिला नहीं, किसी को नहीं मिला। एक और एक पड़ोस और एक मेयर से दूसरे को मेरे बलखड़ में मिले, बाड़ी पंचायत बलखड़ में मिल गया, एक साइड में एक मेयर है। अब क्या मांग कर? हमारा मुआवजा की मांग रहे और पटवारी के जो भी कानून कार्य है वो शिकायत। हम किसानों की समस्या लेके आए हैं, बनूर और जामनिया पानी दो गांव भगवानपुरा तहसील में आते हैं। हमारे यहाँ जो खसरा नंबर 19 में पटवारी है मनीषा सेलवानी, वो सर्वे करी नहीं मौके पे आके, और कहीं कहीं जगह गई थी एक दो जगह और बोल के गई कि भाई मेरे पास रिकॉर्ड है तो मैं वहाँ देख के लिख लूँगी, सभी किसानों का नुकसान हुआ है तो सभी को मिल जाएगा। तो गेहूं और मक्का की फसल और चना, ये तीन फसलें बहुत ज़्यादा नुकसान हुए ओलावृष्टि में आंधी तूफान, ये 300 से ऊपर होंगे करीब। हाँ, पहले भी आवेदन दिया था SDM साहब के नाम से हमने, पर अभी तक कोई उसका परिणाम नहीं मिला। अब हम कलेक्टर साहब के नाम दिया है जन सुनवाई में। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। आर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।